दुख इंसान का सबसे बड़ा गुरु होता है। इससे मिली सीख को वह जीवन भर याद रखता है। संसार में शायद ही कोई ऐसा हो जिसके जीवन में कभी दुख न आया हो। आदमी छोटा हो या बड़ा, धनी हो या फिर निर्जन, ताकतवर हो या फिर कमजोर, हर व्यक्ति को कभी ना कभी किसी बात का दुख जरूर होता है। यह दुख जब किसी के जीवन में आता है तो कुछ लोग उसका सामना करते हुए जल्द ही उबर जाते हैं, तो वहीं कुछ इस दुख के आते ही उसकी चिंता में घुलने लग जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, धर्मा चक्र यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप भी श्री कृष्ण के भक्त हैं, तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। दुख के आने पर न सिर्फ व्यक्ति की परीक्षा होती है, बल्कि इसके आते ही आपको अपने और पराए का भी पता लग जाता है। एक बार दुख ने सुख से कहा कि तुम बहुत भाग्यशाली हो, लोग तुम्हें ही पाना चाहते हैं। तब सुख ने कहा, भाग्यशाली मैं नहीं बल्कि तुम हो, क्योंकि तुम्हारे आते ही लोग अपनों को याद करने लग जाते हैं। तो वही जैसे मैं किसी के जीवन में प्रवेश करता हूँ तो लोग अपनों को भूल जाते हैं। इंसान के जीवन में दो तरह के दुख होते हैं, पहला वह जिसकी अभिलाषा पूरी नहीं हुई और दूसरा यह कि उसके जीवन की अभिलाषा पूरी हो गई। चिंता जीवन के सारे दुखों का एक ही कारण है। ऐसे में किसी भी प्रकार का कष्ट आने पर सबसे पहले उससे जुड़ी चिंता करना छोड़ दें, बल्कि उसे दूर करने का चिंतन करें। अगर थोड़े से आराम को छोड़ने से व्यक्ति को बड़ी खुशी मिलती है, तो एक समझदार व्यक्ति को चाहिए कि वह थोड़ा सा दुख या कष्ट सहते हुए बड़ा सुख हासिल करे। दुख किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, वह हर किसी के जीवन में आता है। इसलिए दुखी होने की बजाय उससे बाहर निकलने का प्रयास करना ही समझदारी होती है। इंसान का जीवन एक सिक्के के समान है, जिसके एक ओर सुख तो दूसरी ओर दुख होता है। उसके साथ कभी सुख तो कभी दुख लगा रहता है। ऐसे में जब सुख हो तो घमंड मत करना और जब दुख आए तो थोड़ा सब्र करना। संतुष्टि सुख का दूसरा नाम है। जो इंसान हर परिस्थिति में संतुष्ट रहता है, वह कभी भी दुखी नहीं हो सकता। समस्याओं का आना जाना लगा रहता है और जो लोग समस्याओं का सामना सकारात्मक सोच के साथ करते हैं, उन्हें सफलता जरूर मिलती है। मित्रों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। अंत तक वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।